रामपुर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला संपत्ति समेत मासूम का शव, गोली लगने से हुई मौत, पिस्टल भी हुई बरामद। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में दुबिया फॉर्म की सिंह कॉलोनी में कमरे में मिले दंपत्ति समेत मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों के अनुसार दबाव और तनाव के कारण सर्राफा कारोबारी ने खुद को और परिवार को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुद के परिवार को उसने समाप्त कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से एक पिस्टल बरामद की गई है। घटना का मुआयना करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस अभी जांच कर रही है, छानबीन व तथ्यों के आधार पर ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ये दिबा फार्म करके एक जगह है बिलासपुर थाना क्षेत्र में, रुद्रपुर के बॉर्डर पर। यहाँ एक प्रदीप रस्तोगी नाम का व्यक्ति है जो ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं रुद्रपुर में। उनका आवास है, स्वयं, उनकी पत्नी, एक 3-4 माह का बेटा, उनका भाई यहाँ रहते हैं। भाई थोड़ी देर पहले अपने दुकान पे गए थे, वो घर पे थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को फोन किया गांव पे कि मैं अपनी सारी दुनिया समाप्त कर रहा हूँ, और फोन काट दिया। फिर दूसरे भाई को जो दुकान पे था उससे उन्होंने कहा मैंने सब कुछ समाप्त कर दिया। वो पूछता रह गया, फोन काट दिया उन्होंने। फिर दूसरे भाई का फोन आया, भैया जाओ देखो जल्दी, उन्होंने ऐसा मेरे पास फोन किया था। तो उसने कहा मेरे पास भी किया था। वहां से जब भाई यहाँ आया, घर के अंदर देखा तो उसके भैया प्रदीप, भाभी प्रीति और भतीजा सचिन, तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है। उसने शोर मचाया, आसपास से भी लोग आए, लेकिन उनके साथ संबंध हो गई थी। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक अभी परिजनों ने हमें बताया है, हम उसी को कह सकते हैं तो उन्होंने किन्हीं दबाव में, तनाव में अपना पूरा परिवार समाप्त किया। लेकिन विवेचना भी पूर्ण नहीं हुई है, इसमें की अंतिम सत्य है। हम तहकीकात करने के बाद आपको अवगत कराएंगे कि पूरा सत्य क्या है।